Hello students, in this video I, Abhay Kumar, going to discuss a very important topic, which is elastic constants in mechanics and property of matter for BSc part 1, physics honors, physics general and physics subsidiary courses for all universities in lecture number 1. इस वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. BSc पार्ट 1 फिजिक्स कोर्सेस के लिए, जिसका नाम है इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, और इसे ऑल यूनिवर्सिटीज के फिजिक्स पेपर्स, चाहे वह BSc पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स का पेपर हो, या BSc पार्ट 1 फिजिक्स सब्सिडरी का पेपर हो, या BSc पार्ट 1 फिजिक्स जनरल का फिजिक्स का पेपर हो, सभी में इलास्टिक कॉन्स्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं. जैसे व्हाट आर इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, और डिफाइन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, establish relation between different elastic constants. तो इस ढंग से elastic constants पर universities examinations में, BSc part 1 physics के papers में questions पूछे जाते हैं elastic constant पर based, जिसके बारे में मैंने बताया. Now we have to start elastic constants. What are elastic constants? इस वीडियो में मैं केवल elastic constants के types और उनके definitions तथा formulae तक ही restricted रहूँगा, और next वीडियो में elastic constants से related, मतलब इलास्टिक कांस्टेंट के बीच, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक का वीडियो लेक्चर नंबर 2 में मैं करूंगा. क्योंकि टोटल, मतलब इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स को एक ही वीडियो में करने पर वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो इसे देखते हुए दो पार्ट्स में, इस वीडियो में केवल इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में इलास्टिक कांस्टेंट्स का रिलेशन के से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाएगा. नाउ इलास्टिक कांस्टेंट्स आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ elasticity, that is Young's modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity and modulus of rigidity. These are three types of modulus of elasticity. And fourth constant is Poisson's ratio. So these four constants, that is Young's modulus of elasticity, नंबर 2 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नंबर 3 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन्स रेशियो, दीज फोर कॉन्स्टेंट्स टूगेदर आर कॉल्ड इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का थ्री टाइप्स हम जानते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग गुणांक,
नंबर टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्याष्ठा गुणांक। नंबर थ्री मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। तथा नंबर फोर क्वाइसेंस रेशियो, क्वासों का अनुपात। इन चारों कांस्टेंट्स नियतांकों को एक साथ कर देने पर इन्हें इलास्टिक कांस्टेंट्स, प्रत्याष्ठता नियतांक कहा जाता है। सो फोर इलास्टिक कांस्टेंट्स आर नंबर वन यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, राइट डाउन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और बल्क मॉडुलस जो कि किससे रिलेटेड होगा, बॉडी के वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। बल्क मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किससे होगा, बॉडी के लेंथ में चेंज होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के द्वारा, तो उससे रिलेटेड होगा। मतलब दोनों सिचुएशन में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों सिचुएशन में बॉडी के साइज में चेंज होगा, बॉडी के साइज में चेंज होगा। और थर्ड जो कांस्टेंट है, या कहें थर्ड टाइप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वह बॉडी के किसी बॉडी के साइज में चेंज से रिलेटेड नहीं है, बल्कि बॉडी के साइज में कोई चेंज नहीं होगा, बॉडी के साइज में कोई चेंज नहीं होगा आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस विच इज टेंजेंशियल स्ट्रेस टू ए बॉडी, बट इट्स शेप चेंजेज। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में किससे रिलेटेड है, शियरिंग स्ट्रेस के कारण, शियरिंग स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में, या शियरिंग स्ट्रेस के द्वारा जब किसी बॉडी पर शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्ट करेगा, उसके पर यूनिट बॉडी के पर यूनिट एरिया पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होगा, तो उसे शियरिंग स्ट्रेस कहा जाता है। तो शियरिंग स्ट्रेस के द्वारा अगर किसी बॉडी के साइज में चेंज नहीं हो, बॉडी का साइज रिमेंस अनचेंज्ड, बट बॉडी के शेप में चेंज हो जाए, शेप ऑफ द बॉडी चेंजेज, देन वी हैव देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कम्स इन टू प्ले। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज द थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट एंड ऑल्सो थर्ड टाइप ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू द चेंज इन शेप ऑफ ए बॉडी। सो थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड नंबर फोर, दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट इज क्वाइसेंस रेशियो, क्वाइसेंस रेशियो विच इज डिनोटेड बाई द सिम्बॉल सिग्मा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिनोटेड बाई द सिम्बॉल ईटा। बल्क मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिनोटेड बाई द सिम्बॉल आइदर बी और अनदर सिम्बॉल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज के, वाइल यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिनोटेड बाई द सिम्बॉल वाई। तो दीज फोर कॉन्स्टेंट्स वेन कंबाइंड टूगेदर, जब इन चारों नियतांकों को एक साथ मिला दिया जाता है, देन दीज आर इलास्टिक कॉन्स्टेंट, तब इन्हें इलास्टिक कॉन्स्टेंट कहा जाता है। अब सभी इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, ऑल फोर इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स को हम डिफाइन करेंगे और उसे रिलेटेड फॉर्मूली भी ऑब्टेन करेंगे। तो नंबर वन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज डिनोटेड बाई द सिम्बॉल वाई, यंग्स मॉडुलस, इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड यंग्स मॉडुलस वाई, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है
विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कहाँ होता है और कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम ये रेशियो? हुक्स लॉ से। बिकॉज हुक्स लॉ इज विद इन इलास्टिक लिमिट, अ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन, एंड अ स्ट्रेस तथा अ स्ट्रेस एंड अ स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वह एक कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और उस कॉन्स्टेंट को क्या कहा जाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज अ स्ट्रेस बाई अ स्ट्रेन। हुक्स लॉ से, फ्रॉम हुक्स लॉ, अ स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ अ स्ट्रेस एंड अ स्ट्रेन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट विच इज कैपिटल ई, विच इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अ स्ट्रेस एंड तथा स्ट्रेन का रेशियो कॉन्स्टेंट होता है, और उस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, जिसे कैपिटल ई सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो ये कहाँ से आया? हुक्स लॉ से। और हुक्स लॉ कहाँ तक अप्लाई, किस लिमिट तक अप्लाई होता है? इलास्टिक लिमिट में, जब किसी बॉडी में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी मौजूद रहता है। तो इलास्टिक लिमिट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस है। अप्लाइड स्ट्रेस का, किसी बॉडी पर अप्लाइड स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू है जिसके अंदर बॉडी में इलास्टिसिटी का की टेंडेंसी मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। और इस लिमिट के बाहर, बियॉन्ड, इफ द अप्लाइड स्ट्रेस क्रॉसेस ओवर दिस लिमिट, देन बॉडी लूजेज इट्स इलास्टिसिटी एंड इट बिकम्स प्लास्टिक। इलास्टिक लिमिट के आगे, इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट बॉडी पर अप्लाइड स्ट्रेस का वह लिमिट है, वह मैक्सिमम वैल्यू है, जिससे अधिक वैल्यू होने पर, जिससे अधिक मान अगर हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा स्ट्रेस का, तो बॉडी क्या हो जाएगा? बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाएगा और इलास्टिक लिमिट के बाहर चला जाएगा। उसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने के बाद फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की टेंडेंसी, रिटर्न होने की टेंडेंसी समाप्त हो जाएगी इलास्टिक लिमिट के बाहर। और तब बॉडी, तब उस बॉडी को क्या कहा जाएगा? प्लास्टिक कहा जाएगा। और प्लास्टिक बॉडीज जिस प्रॉपर्टी को, जिस प्लास्टिक बॉडी जिस प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, उसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सो यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट। सो सिंबल ऑफ यंग्स मॉडुलस इज कैपिटल वाई। सो कैपिटल वाई इज राइट डाउन, रेशियो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तथा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति का। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी एलॉन्ग इट्स लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। किसी बॉडी के पर यूनिट एरिया पर, उसके लेंथ के अलॉन्ग, मतलब किसी बॉडी के लेंथ के अलॉन्ग उसके यूनिट एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहा जाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम कैसे, किस फॉर्मूला से डिनोट करते हैं? एफ अपॉन ए, वेयर कैपिटल एफ इज द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एलॉन्ग इट्स लेंथ। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ पर यूनिट और पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए बॉडी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के प्रभाव में किसी बॉडी के लेंथ में जो इंक्रीज होगा या लेंथ में चेंज होगा, अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एट इट्स टू इंड्स, देन लेंथ ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स, वाइल इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन इनवर्ड डायरेक्शंस, देन बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो देयर इज इन बोथ केसेस, इन वन केस देयर इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए बॉडी, एंड इन अनदर केस देयर इज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, दैट इज इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड चेंज इन लेंथ।
So, longitudinal strain is the ratio of change in length, which is denoted by, which can be denoted by symbol delta L, to the original length. Suppose the original length of the body, of a body is capital L. So, the ratio of change in length, that is delta L, to the original length, capital L, is called longitudinal strain. Longitudinal strain. So, formula of Young modulus of elasticity is F upon A, which is longitudinal stress, to the divided by delta L upon L, that is longitudinal strain, where F is the deforming force acting on area A of body along the length of the body, while delta L is the change in length of the body, and capital L is the original length of the body. So, formula for Young modulus is F upon A multiplied by, अब यहाँ capital L numerator में चला जाएगा, क्योंकि delta L upon L है, तो capital L upon delta L. And this is formula number one, and this is the formula for Young's modulus of elasticity. For different materials, the values of Young's modulus of elasticity are different. Different materials का, अगर body है, स्टील का है, कॉपर का है, नहीं एल्युमिनियम का है, तो उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू अलग अलग होता है. जैसे स्टील या आयरन के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू होता है y इक्वल टू 2 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और यह वैल्यू स्टील और आयरन के लिए यंग मॉडुलस का वैल्यू अदर मटेरियल्स के कंपेरिजन में अधिक होता है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यंग मॉडुलस, y इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन ए, विच इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन डेल्टा एल. सो दिस इज यंग मॉडुलस, फॉर्मूला फॉर यंग मॉडुलस. अब यहाँ पर हम एक डायग्राम से भी इसको, बॉडी का इलोंगेशन को, यहाँ बॉडी के इलोंगेशन को एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज किया जाए एक बॉडी है और इसके दोनों इंड्स पर, मतलब अपर इंड और लोअर इंड पर, ओरिजिनल लेंथ इस बॉडी का सपोज किया जाए कितना है, ओरिजिनल लेंथ बॉडी का एल है, और इसके लोअर तथा इस बॉडी के लोअर तथा लोअर इंड एंड अपर इंड दोनों पर आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब लेंथ के लॉन्ग लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर, जैसे कि बॉडी इलोंगेट कर जाए, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. देखिए, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड टू दिस बॉडी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन एलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी. और इस सिचुएशन में क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ बॉडी का क्या है, ओरिजिनल लेंथ बॉडी का कैपिटल एल है. अब इसे बड़ी क्या होगा, बॉडी का चूंकि जो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू इंड फेसेस दैट इज एट बोथ इंड्स ऑफ दिस बॉडी ऑफ लेंथ एल, देन बॉडी इलोंगेट्स, बॉडी का लेंथ में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ओरिजिनल लेंथ एल है, अब इंक्रीज लेंथ इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, अब इंक्रीज होकर के लेंथ बॉडी तो थोड़ा पतला हो जाएगा क्योंकि इसका डायमीटर डिक्रीज करेगा, लेकिन इसका लेंथ बढ़ करके अब एल प्लस कितना हो जाएगा, सपोज करें कि एल प्लस डेल्टा एल हो गया, लेंथ इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई किया गया इसके, इस बॉडी के दोनों इंड्स पर बाहर की ओर, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. सो द बॉडी इलोंगेट्स, ये बॉडी का लेंथ चेंज हो गया, इंक्रीज कर गया, और न्यू लेंथ ऑफ द बॉडी इज एल प्लस डेल्टा एल अंडर द एक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. और बॉडी का अब लेंथ हो गया, न्यू लेंथ हो गया कितना, एल प्लस डेल्टा एल, जिसको देखा जा सकता है, इसको डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाया गया है, न्यू शेप जो बॉडी का है उसको डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाया गया है रिप्रेजेंट किया गया है. और इसमें यह देखा जा सकता है कि इसका लेंथ, बॉडी का जो ओरिजिनल बॉडी है उसके कंपेरिजन में इस बॉडी का लेंथ अब क्या हो गया, दोनों इंड पर थोड़ा थोड़ा उसका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया. तो न्यू लेंथ कितना हो गया इस बॉडी का, अब हो गया एल प्लस डेल्टा एल. और इसके यूनिट एरिया पर सपोज करते हैं एरिया पर फोर्स कितना अप्लाई होता है, एफ अप्लाई होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इस देयरफॉर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई होगा इस बॉडी के दोनों इंड फेसेस पर, एफ अपॉन ए. चूंकि इंड फेस का एरिया कितना है बॉडी का, ए है, तो उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ, तो इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया ए ऑफ द इंड फेसेस, एट इच इंड फेसेस, इच ऑफ द इंड फेसेस ऑफ द बॉडी,
देन फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज एफ अपॉन ए। एरिया पर फोर्स अप्लाई हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स कैपिटल एफ, तो यूनिट एरिया पर कितना हो जाएगा एफ अपॉन ए एंड विच इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो बॉडी का न्यू लेंथ कितना हो गया एल प्लस डेल्टा एल। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना हो गया फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एफ अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो गया इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज कितना से बॉडी का लेंथ इंक्रीज किया डेल्टा एल से, अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है कैपिटल एल है। तो दोनों का रेशियो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल क्या कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। नाउ सेकेंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज डिनोटेड बाई द सिम्बॉल कैपिटल बी और के। इफ नॉर्मल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एरिया ए और ऑन द ऑल फेसेस ऑफ ए बॉडी, देन देर इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी। यदि किसी बॉडी के सभी फेसेस पर सभी सतहों पर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए इनवर्ड डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो उस बॉडी का वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर बिकॉज प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो यहाँ कोई अगर बॉडी है, सपोज किया जाए यह बॉडी किसी क्यूब का एक फेस है, आउट ऑफ सिक्स फेसेस, क्यूब में सिक्स फेसेस होते हैं, उनका कोई एक फेस सपोज किया जाए, और इस मतलब इस बॉडी के ऑल साइड्स पर अगर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए या इसके पर यूनिट एरिया पर फोर्स अप्लाई किया जाए, तो उसको क्या कहा जा सकता है प्रेशर भी कहा जा सकता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इनवर्ड डायरेक्शन में ऑल सरफेसेस पर इस बॉडी के फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। तो बॉडी का शुरू का वॉल्यूम अगर भी है तो बॉडी क्या हो जाएगी अब कॉन्टैक्ट हो जाएगी, बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और इसका जो नया शेप होगा उसको हम डॉटेड स्ट्रक्चर से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉटेड स्ट्रक्चर से इस बॉडी का जो चेंज वॉल्यूम है उसको इस डॉटेड स्ट्रक्चर से डिनोट किया गया है। अब वॉल्यूम सपोज किया जाए, पहले ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, पहले बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम भी था, अब वॉल्यूम डिक्रीज होकर कितना हो गया भी माइनस डेल्टा भी, मतलब इस बॉडी के मतलब क्यूब के इस वन ऑफ द फेसेस पर इसके ऑल सरफेसेस पर इस बॉडी के सभी फेसेस सभी सरफेसेस पर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है एफ, कहीं भी एफ है तो ऑल सरफेसेस पर अंदर की तरफ, इससे बॉडी क्या हो गई कॉन्टैक्ट हो गई और इसका वॉल्यूम पहले ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था भी था, अब बॉडी का जो न्यू स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड स्ट्रक्चर इस बॉडी का जो न्यू शेप है अब बॉडी का जो न्यू साइज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉल्यूम अब डिक्रीज होकर कितना हो गया भी माइनस डेल्टा भी, दैट इज देर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम बाई एन अमाउंट डेल्टा भी, वाइल कैपिटल भी इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सो दिस इज फिगर नंबर टू जिसमें कि नॉर्मल स्ट्रेस के कारण मतलब किसी बॉडी के पर यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके ऑल फेसेस पर ऑल सरफेसेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है, इसको क्या कहा जाता है नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है। किसी बॉडी के यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। सो नाउ वी हैव टू डिफाइन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल बी और के। सो बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन
वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, दिस इज द रेशियो नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ही प्रेशर, इसको प्रेशर के इक्वल भी लिखा जा सकता है, पी अपॉन और वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन वॉल्यूम इन दिस केस तो कितना है, डेल्टा भी माइनस डेल्टा भी, डिक्रीज इन वॉल्यूम माइनस डेल्टा भी, क्योंकि वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है इसलिए न्यू वॉल्यूम जो हुआ बॉडी का भी माइनस डेल्टा भी, जबकि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था बॉडी का भी था, तो माइनस डेल्टा भी अपॉन भी। देयरफॉर फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस इज पी अपॉन माइनस डेल्टा भी अपॉन भी, दैट इज नॉर्मल रेशियो, दैट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, दैट इज पी अपॉन माइनस डेल्टा भी मल्टीप्लाइड बाई भी, अब न्यूमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में है डेल्टा भी अपॉन भी। तो दिस कॉन्स्टेंट भी बल्क इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ, दिस इलास्टिक कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज बी इज कॉल टू पी अपॉन माइनस डेल्टा भी इंटू भी, वेयर भी इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी वाइल डेल्टा भी इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सो माइनस साइन इज गिवन हेयर। दिस इज फॉर्मूला नंबर टू फॉर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसका भी ऐसा यूनिट वही होगा बल्क मॉडुलस का जो कि यंग मॉडुलस का था, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका भी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि प्रेशर का यूनिट है, क्योंकि डेल्टा भी बाई भी मतलब स्ट्रेन जो है यूनिटलेस क्वान्टिटी है एज वेल एज डायमेंशनलेस। नाउ वी हैव टू डिस्कस थर्ड इलास्टिक कॉन्स्टेंट, वी हैव टू डिफाइन थर्ड इलास्टिक कॉन्स्टेंट एंड विच इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज डिनोटेड बाई द सिम्बॉल ईटा। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के केस में बॉडी के, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, बॉडी के शेप में चेंज नहीं होता है, सॉरी बॉडी के साइज में चेंज नहीं होता है, बॉडी के डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उसके शेप में चेंज होता है, बॉडी का शेप जो है शेप जो होता है चेंज हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज रिलेटेड टू द चेंज इन शेप ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब सपोज किया जाए कि कोई क्यूब ही है, उसके सिक्स फेसेस में से किसी एक फेस पर, फिर से सपोज किया जाए वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब इज ओ बी सी डी, और इसका लोअर जो फेस है, सबसे जो बॉटम फेस है, उसको फिक्स कर दिया जाए इस बॉडी ओ बी सी डी का जो लोअर सरफेस है उसको फिक्स कर दिया गया, और अपर फेस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया, मतलब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया गया थ्रू आउट द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया गया जिससे कि थ्रू आउट द बॉडी माने पूरे अपर सरफेस पर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सरफेस के पैरेलल, डिफॉर्मिंग फोर्स कितना है कैपिटल एफ है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज एफ अपॉन ए, और इसके कारण अब बॉडी का साइज में चेंज नहीं होगा, बॉडी का शेप में चेंज हो जाएगा, अब बॉडी का शेप न्यू क्या हो जाएगा इसके कारण, इस टेंजेंशियल फोर्स के कारण, क्योंकि इस बॉडी का लोअर सरफेस तो फिक्स है तो केवल अपर सरफेस में डिफॉर्मेशन होगा, अपर सरफेस के का जो दोनों किनारे हैं दोनों सिरे हैं बी और बैन सी, इसके पोजीशन में चेंज हो जाएगा और बॉडी सियर्ड हो जाएगा इस टेंजेंशियल फोर्स के कारण, और इसका बी का पोजीशन अब नया पोजीशन हो जाएगा, न्यू पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन ऑफ बी इज शिफ्टेड टू द न्यू पोजीशन सपोज किया जाए बी डैश, एंड पोजीशन ऑफ सी अदर एंड ऑफ द अपर सरफेस सी इज शिफ्टेड टू ए न्यू पोजीशन सी डैश, एंड बॉडी सीयर थ्रो दिस इज शिफ्टेड टू पोजीशन सी डैश ड्यू टू द एक्शन ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी कीपिंग इट्स लोअर सरफेस फिक्स्ड। तो न्यू पोजीशन क्या हो गया, अब सी डैश हो गया, तो बॉडी कितने एंगल से सीयर्ड हो गया, थीटा
थीटा एंगल से, और जितने एंगल से बॉडी सियर्ड होगा उसको क्या कहा जाएगा, उस एंगल को सियरिंग एंगल कहा जाएगा और सियरिंग स्ट्रेन कहा जाएगा। तो बॉडी का न्यू शेप क्या हो गया अंडर द एक्शन ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस, बॉडी का न्यू शेप, पहले ओरिजिनल शेप क्या था बॉडी का, ओ बी सी डी, अब न्यू शेप क्या हो गया, ओ बी डैश सी डैश डी। लेकिन इसके ओ बी सी डी का वॉल्यूम और ओ बी डैश सी डैश डी का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब बॉडी के साइज में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन बॉडी का शेप चेंज हो गया और न्यू शेप हो गया ओ बी डैश सी डैश डी। बी शिफ्ट कर गया अपर फेस, अपर सरफेस का इंड बी शिफ्ट कर गया न्यू पोजीशन बी डैश पर और इंड सी शिफ्ट कर गया न्यू पोजीशन सी डैश पर अंडर द एक्शन ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी। इस बॉडी के अपर सरफेस पर जब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने पर, सरफेस पर टेंजेंशियल मीन्स सरफेस के लॉन्ग फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी का शेप चेंज हो गया, मतलब बॉडी का शेप चेंज होकर ओ बी डैश सी डैश डी हुआ जबकि ओरिजिनल शेप क्या था ओ बी सी डी। चूँकि बी इंड अपर सरफेस का, इस बॉडी के अपर सरफेस का इंड बी शिफ्ट होकर बी डैश पर चला गया, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया थ्रो एंगल थीटा, और फिर सी इंड भी सी डैश पर शिफ्ट कर गया चूँकि अपर सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स क्या है थ्रू आउट है सेम मैग्नीट्यूड का है, तो इसलिए सी पोजीशन सी पॉइंट शिफ्ट होकर के सी डैश पर, कितने एंगल से माने एंगल से कितना सियर्ड हो गया बॉडी, बॉडी टिल्टेड हो माने बॉडी सियर्ड हो गया अपना पोजीशन से, कितने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया थीटा एंगल से टिल्टेड हो गया बॉडी। सो इट इज कॉल्ड द एंगल थ्रू विच द बॉडी इज सियर्ड इज कॉल्ड सियरिंग एंगल। थीटा क्या है, सियरिंग एंगल और सियरिंग स्ट्रेन। सो विद इन इलास्टिक लिमिट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज विद इन इलास्टिक लिमिट, किसी भी इलास्टिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए विद इन इलास्टिक लिमिट यूज करना जरूरी है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस विच इज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग परम्यूट एरिया ऑफ द बॉडी। सो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द सियरिंग स्ट्रेन विच इज सियरिंग एंगल इज कॉल्ड बल्क इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज डिनोटेड बाई द सिम्बॉल ईटा। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द सियरिंग स्ट्रेन और सियरिंग स्ट्रेन within elastic limit is called modulus of rigidity and tangential stress is what force tangential force acting per unit area of a body। suppose kiya jaye is body ka area surface area a hai us par force apply hua hai tangential direction mein f to tangential force kitna ho jayega f upon a and shearing strain or shearing angle is theta f upon a upon theta that is f upon a into theta and this is the formula ऑफ सियरिंग स्ट्रेन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन नंबर 3 एफ अपॉन ए इंटू थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज डिनोटेड बाई द सिंबल ईटा। इन लास्ट फोर्थ इलास्टिक कॉन्स्टेंट इज क्वाइसेंस रेशियो विच इज डिनोटेड बाई द सिंबल सिग्मा। Poisson's ratio, this elastic constant is different from other three constants in the sense that Poisson's ratio is the ratio of a strain to a strain, that is it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain, while other three constants were the ratio of a stress to a strain. Poisson's ratio baki three elastic constants se different is sense mein hai ki Poisson's ratio lateral strain aur transverse strain anuprasth vikriti and longitudinal strain अनुदैर्ध्य विकृति का
रेशियो होता है, मतलब मतलब पॉइसन्स रेशियो दो टाइप्स के स्ट्रेन का रेशियो होता है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जबकि ऑल अदर थ्री टाइप्स के जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स थे जिसका हैं जिसके जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशियो के इक्वल थे। सो पॉइसन्स रेशियो इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। सो पॉइसन्स रेशियो सिग्मा इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन रेखीय विकृति या अनुप्रस्थ विकृति डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब अनुप्रस्थ विकृति लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? पॉइसन्स रेशियो कहलाता है, बट विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्याष्ठा सीमा के अंदर। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेटरल स्ट्रेन क्या है? लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन इज द चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर ऑफ ए बॉडी, दैट इज पर यूनिट चेंज इन द डायमीटर ऑफ ए ओरिजिनल डायमीटर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन। किसी बॉडी के प्रति इकाई डायमीटर व्यास में परिवर्तन को अनुप्रस्थ विकृति या रेखीय विकृति कहा जाता है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहा जाता है, दैट इज पर यूनिट चेंज इन द डायमीटर ऑफ ए बॉडी। तो अगर कोई किसी बॉडी पर, मान लिया कोई बॉडी है तो उस पर उसके दोनों एंड्स पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉडी अपने लेंथ के अलोंग तो इलोंगेट हो जाएगा, लेकिन लेंथ के परपेंडिकुलर अदर डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाता है, मतलब उसका डायमीटर लेंथ तो बढ़ जाएगा लेकिन डायमीटर क्या होगा? घट जाएगा। तो लेटरल स्ट्रेन कितना हो गया? डिक्रीज इन डायमीटर डेल्टा डी अपॉन ओरिजिनल डायमीटर कैपिटल डी, स्मॉल डी से भी डायमीटर को डिनोट किया जा सकता है, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये तो हो गया लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन, डेल्टा डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया? हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? पर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। हेयर चेंज इन लेंथ इज इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ अपॉन कैपिटल एल। तो फॉर्मूला क्या हो गया सिग्मा का? नाउ इट कैन बी रिटन एज डेल्टा डी अपॉन कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन कैपिटल एल अपॉन डेल्टा एल, एंड दिस इज फार्मूला नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, फार्मूला नंबर फोर फॉर पॉइसन्स रेशियो। लेटरल स्ट्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स स्ट्रेन, यू कैन राइट इट हेयर ट्रांसवर्स स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो, जो कि दो टाइप के स्ट्रेन का रेशियो है। पॉइसन्स रेशियो अदर थ्री टाइप्स के कांस्टेंट के समान, के सिमिलर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशियो नहीं है। तो अगर कोई बॉडी जिसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ बॉडी का कैपिटल एल है, और उसके दोनों इंड्स पर, उसके दोनों सिरे पर अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट एफ बी द फोर्सेस
इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड ऑन बोथ फेसेस ऑफ ए बॉडी एलोंग इट्स लेंथ इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस बॉडी पर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में एलोंग द लेंथ। देयरफॉर क्या होगा उस सिचुएशन में, बॉडी का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन बॉडी क्या हो गया, बॉडी थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थिनर हो जाएगा बॉडी। पतला हो जाने का मतलब है कि लेंथ तो बढ़ गया तो डायमीटर जो है क्या हो जाएगा उसका घट जाएगा, बॉडी पतला हो जाएगा। तो ओरिजिनल डायमीटर कितना है बॉडी का, ये ओरिजिनल डायमीटर जो है लेंथ के परपेंडिकुलर है, कैपिटल डी है, लेकिन अब बॉडी क्या हो गया इलोंगेट कर गया आउटवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करने से, तो बॉडी का डायमीटर अब घट करके कितना हो जाएगा, पहले कैपिटल डी था, अब घट करके लेंथ तो इंक्रीज कर गया एल प्लस डेल्टा एल, लेकिन डायमीटर बॉडी का डिक्रीज होकर के सपोज कर दिया जाए कितना से डिक्रीज हुआ, डेल्टा डी से डायमीटर डिक्रीज हो गया, तो बॉडी का न्यू डायमीटर हो गया अब कितना, डी माइनस कैपिटल डी माइनस कैपिटल डी माइनस डेल्टा डी। ये देखें बॉडी का अब जो न्यू डायमेंशन है वह दिखाया गया है, जिसमें कि साफ क्लियर है कि बॉडी का डायमीटर, बॉडी क्या हो गया इसका डायमीटर घट गया, और डायमीटर घट करके अब न्यू डायमीटर कितना हो गया, कितना से घटा, कितना से डिक्रीज किया डायमीटर, डेल्टा डी से, तो बॉडी का न्यू डायमीटर कितना हो गया, डी माइनस डेल्टा डी, कैपिटल डी माइनस डेल्टा डी न्यू डायमीटर हो गया, जबकि ओरिजिनल डायमीटर कितना था, कैपिटल डी था, इस बॉडी का लेंथ ओरिजिनल कितना था, कैपिटल एल था, न्यू लेंथ कितना हो गया, न्यू लेंथ अब इंक्रीज होकर के पहले एल था, अब न्यू लेंथ हो गया एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल इज द न्यू लेंथ ऑफ द बॉडी, दैट इज लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज वाइल इट्स डायमीटर डिक्रीजेज, बॉडी का लेंथ तो बढ़ गया लेकिन बॉडी की जो का जो थिकनेस है या बॉडी का जो डायमीटर है वो घट गया। देयरफॉर पॉइसन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन विच इज डेल्टा डी बाई कैपिटल डी टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल, डेल्टा एल इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी वाइल डेल्टा डी इज द डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ द बॉडी। डेल्टा एल क्या है, बॉडी के लेंथ में इंक्रीज है, लंबाई में वृद्धि है, और डेल्टा डी क्या है, बॉडी के डायमीटर में डिक्रीज है। तो इस प्रकार पॉइसन रेशियो विच इज द फोर्थ टाइप ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट वी हैव डिफाइंड इट। तो ऑल फोर टाइप्स के इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स को हमने डिफाइन कर लिया, और सिग्मा का कोई रेशियो नहीं होगा। सिग्मा चूंकि स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है, तो स्ट्रेन तो ऐसे भी डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस भी होता है, तो ये दो स्ट्रेन का रेशियो है, दो टाइप के स्ट्रेन का रेशियो है पॉइसन रेशियो, इसलिए इसका न तो कोई डायमेंशन होगा न ही कोई यूनिट होगा। सो पॉइसन रेशियो इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ओनली इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और इसका थियोरेटिकल वैल्यू इसका होता है, थियोरेटिकल वैल्यू कितना, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा, सैद्धांतिक मान जो है, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा इज -1 to 0.5। ये थियोरेटिकल वैल्यू है, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसका, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाता है, 0 to 0.5। थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा इज -1 to 0.5, दैट इज 0.5, हाफ इज 0.5, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसका कितना होगा, इन एक्चुअल प्रैक्टिस वैल्यू ऑफ सिग्मा इज, इन द एक्चुअल प्रैक्टिस दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इन द एक्चुअल प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इसका वैल्यू 0 to 0.5, दैट इज 0 to 0.5 होता है, 0 to 0.5 ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थियोरेटिकल मतलब इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्यवहार में जो हम यूज करते हैं, लेकिन थियोरेटिकल वैल्यू होता है -1 to 0.5। नाउ दिस वीडियो इज कंक्लूडेड, या वीडियो अब समाप्त होता है, जिसमें हमने इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स क्या है, व्हाट आर इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, और डिफाइन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, फोर टाइप्स इलास्टिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन किया गया, और नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बीच रिलेशन ऑब्टेन किया जाएगा, वह भी इसके साथ पूछा जाता है यूजुअली, लेकिन वीडियो अधिक लंबा होने के कारण उसे नेक्स्ट, मतलब रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ऑल
स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाई अभय कुमार एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो इन लार्ज नंबर्स. सभी ग्रेजुएशन के बीएससी पार्ट वन के स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को भी अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें. क्योंकि अब आज से मैंने मतलब इस वीडियो में मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस किया है और अब रेगुलरली बीएससी मतलब ग्रेजुएशन कोर्सेज के वीडियोज अपलोड किए जाएंगे बीएससी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री के. और फर्स्ट फेज में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका उसके वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं. तो इसलिए जो वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं वे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही फर्स्ट फेज में हैं. और आप लोगों को एग्जामिनेशंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हमेशा चलते रहते हैं, किसका पहले किसी का थोड़ा पहले किसी का बाद में. तो इसलिए जल्दी तैयारी होनी चाहिए, सिलेबस कवर होना चाहिए. तो अब सिलेबस ग्रेजुएशन कोर्सेज का भी पूरा किया जाएगा. और अगर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वॉच करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा एग्जामिनेशन में. क्योंकि क्वेश्चन वाइज करके भी मैं टॉपिक्स को सिलेबस के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच.